अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। ट्रैक्टर और रैपर के साथ गंदम की कटाई हो रही है जी, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ट्रैक्टर के साथ जो रैपर लगा होता है उसके साथ कटाई किस तरीके से की जाती है। तो पहले जो है ट्रैक्टर वाला दो साइडों से इसको गंदम को काट लेता है, जैसे ये आप देख रहे हैं कटी हुई है दो साइडों से, तो इसको साइड पे रख लेते हैं, बांध लेनी चाहिए वैसे अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ये आदमी जो बैठा हुआ है ये लाल कपड़े वाला, इसने इधर साइड पे इसको रख दिया था, तो अभी वो ट्रैक्टर वाला जो है उसको मोड़ने में आसानी होगी और वो नीचे आके ट्रैक्टर के नीचे ख़राब नहीं होगी वो गंदम जो कटी हुई है। तो दोनों साइड से काट के इसको पहले उठा के साइड में कर लेते हैं और फिर वो ऐसे चारों तरफ घूमता आता है और काटता जाता है इसको, और इसका यही प्रोसेस होता है जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। मज़ीद आगे आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से रैपर के साथ इसको काट रहा है। जो लोग किसान हैं या देहात में रहते हैं उनके लिए ये वीडियो नई नहीं है, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं जो इस काम को नहीं समझ सकते उनके लिए नई हो सकती है। वो देख सकते हैं कि जो वो चक्की से आटा लेके आते हैं अपने घरों में उसका पूरा प्रोसेस जो है खेत में किस तरीके से होता है, खेत में गंदम किस तरीके से काटी जाती है, फिर उसको कैसे हार्वेस्ट किया जाता है और फिर जो है मंडी में जाती है, मंडी से आटा चक्की तक जाती है और फिर घरों तक जो है वो ये मुंतकिल होती है। इसका ये सारा प्रोसेस जो है वो शहर में रहने वाले लोग जो हैं जो किसान नहीं हैं जो इसको इस काम को अपने हाथ से नहीं करते उनके लिए ये वीडियो नई ज़रूर हो सकती है, क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता है कि वो जो रोटी या आटा खा रहे हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है खेत में। तो ये अब उनके लिए वीडियो सरप्राइज़ है कि वो देख सकते हैं कि इस तरीके से सारा प्रोसेस हो के फिर हार्वेस्ट हो के फिर दाने मंडी में जाते हैं और चक्की तक इस तरह आटा घरों में जाता है, फिर तो ये सारा प्रोसेस होता है जी। ये शहर में रहने वाले लोगों के लिए या जो भी अपने हाथ से काम नहीं करते वो मार्केट से लेके आते हैं आटा या दाने कुछ भी, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, वो देख सकते हैं किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।